स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास कोड क्या होती है। तो बेसिकली कोड की डेफिनेशन क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट होज द एंड पॉइंट्स आर एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ कोड ऑफ अ सर्कल। तो स्टूडेंट्स का क्या मतलब हुआ, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर हम ऐसा एक सेगमेंट ले लें, ठीक है, लाइन सेगमेंट लें, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो कि जिसके हमारे पास एंड पॉइंट नोन होते हैं, ठीक है ना, वो इन्फिनिटी तक मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। उसने कहा है कि अगर उसके दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास जो है वो टच करें, ठीक है ना, मीट करें सर्कल पर, ठीक है ना, सर्कल पर, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास एक कोड है, ठीक है। अब ये देखिए सिर्फ एक पॉइंट जो है इसका हमारे पास टच कर रहा है सर्कल पे, ठीक है, और बाकी जो पॉइंट है इसी हमारे पास जो सेगमेंट का वो भी टच कर रहा, मगर डेफिनेशन क्या करी, उसके एंड पॉइंट जो होंगे आखिरी के जो पॉइंट होंगे वो टच करेंगे। बेसिकली हमारे पास ये ब्लू कलर की जो आपको सेगमेंट नजर आ रही है हमारे पास पॉइंट से मिलकर ही बनी है ना, मगर इसमें क्या कहा है कि एंड पॉइंट मीट करना चाहिए। तो देखिये एक पॉइंट तो इधर मीट कर रहा और एक और पॉइंट इधर भी मीट कर रहा, मगर वो सेगमेंट के इनसाइड लाई कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि वो एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट हमारे पास ये वाला, अगर ये हमारे पास इसके ऊपर सर्कल पे टच करेगा कुछ इस तरीके से, आप ये कहेंगे हमारे पास कोड है इस सर्कल की, ठीक है। इसी तरीके से इसको ये देखिए, मैं इसको कहीं भी लेके आ जाऊं, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इस सर्कल की कोड कहलाएगी, ठीक है। इसको इस बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास ऐसा सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट हमारे पास सर्कल के टच कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कोड ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। इसको इसी तरीके से अगर मैं बात कर लो कि हमारे पास सिकेंड क्या होती है, तो बेसिकली इसको हमारे पास सिकेंड की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास एनी लाइन क्या सेगिंग द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सिकेंड। तो इसको हमारे पास ये क्या कहते हैं कि एक हमारे पास लाइन हो, अब हमारे पास लाइन क्या होती है जिसके इन्फिनिट एंड पॉइंट हमें अननोन होते हैं, यानी वो इन्फिनिटी तक मूव कर रही होती है। अब इसको देखिए हमारे पास ये हमने लाइन ले ली है, ठीक है, इसने क्या कहा है कि इसके हमारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, हम कोई भी इस सर लाइन जो हमारे पास बननी है इसके कोई भी दो पॉइंट जो है इसके ऊपर टच कर जाएं, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये सिकेंड लाइन है ऑफ अ सर्कल की, ठीक है ना। इसके एंड पॉइंट तो हमें अननोन होते हैं क्योंकि हमें इन्फिनिटी तक मूव करी होती है। ये देखिए अब हमारे पास जो है ये इधर भी एक पॉइंट है कोई ना कोई, क्योंकि जाहिर है हमारे पास लाइन किससे बनती है, पॉइंट से मिलकर बनती है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो क्लोज होते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे से एक दूसरे से मीट करते हैं, वो हमारे पास एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए हमारे पास इधर भी एक पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर मीट कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे हमारे पास सेकंड लाइन है, ये वाले जो हमने पॉइंट शो कर रखे हैं इनको हम शो करवा लें, ठीक है ना। इसके लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन हो जिसके दो पॉइंट कम अज कम दो पॉइंट हमारे पास सर्कल से टच कर रहे हो, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हो, तो हम क्या कहेंगे हमारे पास ये सेकेंड आफा सर्कल, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको देखिए हमारे पास जो है अब इधर क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक ही लाइन जो है एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो अभी हमारे पास सिकेंड नहीं है, इसके दो कोई खास हम पॉइंट, ये बजायर तो हमें पता है कि ये मूव करती हुई जा रही है तो इंटरसेक्ट करेगी, मगर हमें बजायर तौर पर दोनों एक दोनों पॉइंट ऐसे लेना चाहिए लाइन के जो बजायर आपके नजर आएंगे वो मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ भी बनाऊंगा तो ये हमें क्या मालूम होता है कि लाइन हमारे पास इन्फिनिटी तक जाती है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मूव कर जाएगी, मगर हमारे पास ऐसी लाइन जिसके बजाहिर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको नजर आएंगे वो मीट कर रहे हैं जो कुछ इस तरीके से, अब ये कहेंगे हमारे पास सेकेंड लाइन है, ठीक है। इसको बात समझ में आ गई होगी हमारे पास सेकेंड लाइन क्या होती है, ठीक है ना, और हमारे पास कोड ऑफ सर्कल क्या होती है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास जिसके एंड पॉइंट नॉन होते हैं वो सर्कल से टच करे, और हमारे पास ऐसी लाइन जिसके दो पॉइंट कम से कम हमारे पास टच कर रहे हो सर्कल से, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम डायमीटर पे बात कर ले, तो हमारे पास डायमीटर क्या होता है कि हमारे पास अ कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इसका डायमीटर, यानी मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसी कोड हो, यही वाली कोड हो, ठीक है, सिर्फ डायमीटर होने के लिए क्या जरूरी होगा, वो सिर्फ सेंटर से पास करे सिर्फ, मगर वो कोड हो, लाइन है, ये तो हमारे पास लाइन है जो कोड हो जिसके हमारे पास एंड पॉइंट इंटर टच कर रहे होते हैं सर्कल पर। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने एक क्या लिया, मैंने एक कोड ले लिया, ठीक है ना, अब ये जब ये हमारे पास क्या है कोड है क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्ट करें, ठीक है, अब इसी को मैं मूव करवाते हुए पास करवाऊ इसके एक सेंटर पॉइंट हम ले लें, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट से अब ये मूव करेगी तो ये अब हमारे पास क्या कहलाएगी, इसको डायमीटर कहलाएगी इस सर्कल की, ठीक है। इसको मैं सारी चीजें लिख भी देता हूँ यहाँ पर, तो इसको देखिए हमने लिख दिया है कि हमारे पास ए बी और जी एच आर कोट एग और हमारे पास पी क्यू लाइन सिकेंड ऑफ अ सर्कल है, ठीक है ना,
और हमने साथ में ये भी लिख दिया है कि हमारे पास जी एच जो है वो हमारे पास क्या है, सेगमेंट जो है इज द ओनली डायमीटर, ठीक है ना। यानी हम ओवरऑल ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो हर डायमीटर एक ही डायमीटर होता है वो बेसिकली हमारे पास एक कोर्ड भी होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास वो कोर्ड होगी तो डायमीटर बनेगी। कोर्ड होने के लिए मैंने क्या बताया, उसके एंड पॉइंट जाहिर है वो सर्कल से टच करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कोर्ड है और ये भी एक हमारे पास कोर्ड है जो कि हमने लिख दिया। और हमारे पास पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारे पास सिकेंग ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, सिकेंग वाली लाइन है। तो इसी तरीके से हमने ये भी मेंशन कर दिया है कि हमारे पास जो जी एच है वो सिर्फ एक ही हमारे पास सेगमेंट है जी एच, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या है, सर्कल का डायमीटर है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा है कि हमारे पास डायमीटर क्या होता है, जब ऐसी कोर्ड जो कि हमारे पास सर्कल के सेंटर से पास करे। तो ये भी हमारे पास कोर्ड थी, ठीक है ना, मगर ये सर्कल सेंटर से पास नहीं कर रही, तो ये हमारे पास कोर्ड है। अभी हमारे पास जो कोर्ड थी जी एच वो सेंटर से पास करी, अभी ये क्या कहेंगे हम, हमारे पास ये डायमीटर भी है, ठीक है ना। तो अब इसको हम एज अ डायमीटर बात करेंगे, कोर्ड भी कह सकते हैं आप, डायमीटर भी है, ठीक है। इसको एक बात समझ में आ गई होगी।